अपने अपने तरीके से कवर हमारे आने वाली जनरेशन भी। आज आपका पहला यहाँ आना ही और मेरे को ये सच में दिल से बहुत बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा, क्योंकि ऐसा इंटरेक्शन मेरे को भी 8 साल प्रोफेसर रेड्डी मेरा हो गया, बट ऐसा इंटरेक्शन मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे, कि इतना एक इंटेलिजेंट इंटरेक्शन हुआ। तो ये सब यही दिखाता है कि आप लोग कितने जागरूक हो, आप लोग अपनी प्रॉब्लम को कितने अच्छे से समझते हो। फर्क ये है कि आज तक मैंने जितने इंटरेक्शन देखे हैं उसमें प्रॉब्लम तो हर कोई बताता है, जैसे आपने बताई, फर्क ये है कि आप लोगों ने प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बताया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जितने भी लोगों ने यहाँ पे बोला है, उन्होंने चाहे सड़क की प्रॉब्लम हो, चाहे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम हो, चाहे माइनिंग की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल में स्टाफ कम है, वेटरनरी हॉस्पिटल में स्टाफ कम है, उसके साथ में उन्होंने उसका कुछ ना कुछ समाधान भी बताया है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ये पहली बार मैंने कहीं पर देखा, और मैं आपको ये आश्वासन भी देता हूँ कि ये जो है ना, जैसा किसी ने बोला, मैं भूल गया किसी ने बोला कि सुनवाई होती है उसके बाद में काम नहीं, वैसा नहीं होगा। अगर वैसा ही करना हो तो हमें जो इतना सारा यहाँ पे इकट्ठे होना, आप लोग का सब अपना भोजन में काम छोड़ दिया है, उसका कोई फायदा नहीं है। फिलहाल तो लोग जितने आप लोग का कोई ना कोई काम होता है, कोई करता है, किसी की दुकान है, कोई खेती करता है, पब्लिक इतने दिन को दस लोगों को मिलना होता है, फैमिली होती है सबकी, फिर यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2-3 घंटे लगा रहे हैं वो व्यर्थ, पर वैसा नहीं है। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जितनी आपकी प्रॉब्लम है उसकी कोशिश ये रहेगी कि अगले ब्लॉकबस्टर से पहले, जो अगला ब्लॉकबस्टर में होगा उससे बहुत पहले, उसमें से जो मेन प्रॉब्लम है उनका समाधान कर दिया जाए। सब ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है, आज उनकी कंडीशन जो है इतनी खराब है कि थोड़ी सी भी आंधी आए तो वो वहां फाट पड़ जाता है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।